सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, टिकटॉक एक चाइनीज एप्लीकेशन था, इसी कारण टिकटॉक को इंडिया पर बैन कर दिया गया। यूसी ब्राउजर भी एक चाइनीज एप्लीकेशन था, इसी कारण उसे ही बैन कर दिया। लेकिन और गाइस, ऐसे बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन है जिन्हें बैन करने का गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। लेकिन गाइस, अभी जो आप मेरे वीडियो देख रहे यूट्यूब पर, ये जो गाइस यूट्यूब है, ये भी गाइस एक चाइनीज एप्लीकेशन ही है। और एक बात गाइस आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि गाइस, वो जो 59 एप्लीकेशन थे, जो वो चाइनीज एप्लीकेशन थे 59, उनमें से गाइस यूट्यूब भी एक चाइनीज एप्लीकेशन था, उनमें यूट्यूब भी शामिल था। लेकिन गाइस, वो सारे एप्लीकेशन जो टिकटॉक, यूसी और कितने सारे ऐप को बैन कर दिया गया, लेकिन गाइस यूट्यूब को अभी तक बैन नहीं किया गया। ये भी तो एक चाइनीज एप्लीकेशन है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब तो चाइनीज एप्लीकेशन है, लेकिन इसे अभी तक बैन नहीं किया गया, ये आगे चलकर बैन होगा कि नहीं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो में गाइस मैं आपको पूरा फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि गाइस यूट्यूब जो है ये चाइनीज एप्लीकेशन है यूट्यूब भी, और गाइस ये बैन होगा कि नहीं, आगे भी चल के बैन होगा कि नहीं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मुझे नहीं जानते तो बता दूं, मेरा नाम है सीमांत और आप देख रहे हैं टेक सीमांत चैनल का। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब तो एक चाइनीज एप्लीकेशन है। दोस्तों, वो जो जितने 59 एप्लीकेशन थे जिन्हें गवर्नमेंट ने बैन करने का आदेश दिया था, उनमें से यूट्यूब भी शामिल था, क्योंकि यूट्यूब भी एक चाइनीज एप्लीकेशन ही है। लेकिन गाइस, यूट्यूब को अभी तक बैन नहीं किया गया। तो गाइस, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये यूट्यूब जो एप्लीकेशन है, ये गाइस ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे पॉपुलर ऐप है। इससे गाइस कई कितने सारे गाइस बड़े बड़े यूट्यूबर जो जुड़े हुए इसमें अपना करियर बनाए हैं। और दोस्तों, अगर यूट्यूब अगर एप्लीकेशन अगर ये बैन हो जाता है तो दोस्तों उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसी कारण गाइस यूट्यूब को अभी तक बैन नहीं किया गया, और हो सकता है गाइस यूट्यूब आगे चलकर भी बैन नहीं होगा। गाइस, यूट्यूब जो एप्लीकेशन है, ये गाइस हम कह सकते हैं कि गूगल का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि गाइस ऐसे बहुत सारे लोग है जो गूगल पर जाते हैं, गूगल पर किसी चीज को सर्च करते हैं और गूगल के थ्रू ही गाइस यूट्यूब पर एंटर करते हैं। और गाइस, अगर गूगल पर कोई व्यक्ति है, अगर कोई लोग उस आर्टिकल को पढ़ता है, किसी चीज के बारे में जानने का कोशिश करता है, तो गाइस वो चाहे तो उस वीडियो को देखकर भी समझ सकता है। इसीलिए गाइस गूगल के जरिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पर एंटर करते हैं और उस आर्टिकल को वीडियो के जरिए देखकर समझते हैं। इसी कारण गाइस यूट्यूब को गूगल का अहम हिस्सा भी कह सकते हैं। तो गाइस, यूट्यूब एक ऐसा एप्लीकेशन है कि गाइस अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना होता है तो गाइस आप यूट्यूब के जरिए आसान तरीके से वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। और गाइस, यूट्यूब एक ऐसा पॉपुलर एप्लीकेशन है जो गाइस हर एक व्यक्ति को जरूरत होता है। गाइस, यूट्यूब एप्लीकेशन ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है, इसी कारण गाइस इसे बैन तो नहीं किया जा सकता है। और गाइस, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे आपको बड़े बड़े यूट्यूबर मिल जाएंगे जो गाइस यूट्यूब पर पार्ट टाइम कह सकते जो भी करते हैं, वीडियो अपलोड करके अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। और गाइस, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है जिनका गाइस यूट्यूब के अर्निंग से ही घर चलता होगा। इसीलिए गाइस यूट्यूब को कह सकते कि नहीं बैन किया जा सकता इंडिया पर। इंडिया पर क्या दोस्तों, इसे कहीं पर भी बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाइस एक ये ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। और गाइस, ये पूरा वर्ल्ड पर चलता है ये एप्लीकेशन, इसी कारण दोस्तों इसे बैन नहीं किया जा सकता। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला था कि गाइस यूट्यूब तो एक चाइनीज एप्लीकेशन है, उन वो सारे एप्लीकेशन जो गाइस 59 एप्लीकेशन थे जिन्हें गवर्नमेंट ने बैन करने का आदेश दिया है, उनमें से गाइस यूट्यूब एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग है जिन्हें कंफ्यूज है गाइस कि यूट्यूब भी तो चाइनीज एप्लीकेशन है, उस लिस्ट पर यूट्यूब का भी नाम है। इसलिए गाइस बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज था कि अगर यूट्यूब एप्लीकेशन बैन हो जाएगा तो सबका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद उन सारे लोगों का कंफ्यूज दूर हो जाएगा जो सोच रहे होंगे, जिसने उन 59 एप्लीकेशन में यूट्यूब को भी देखा होगा, उन्हें लगता होगा कि यूट्यूब भी बैन हो जाएगा। तो गाइस, ये गलत फहमी मत रही, यूट्यूब बैन होने वाला नहीं है। गाइस, अगर यूट्यूब एप्लीकेशन बैन हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है जिनका करियर बर्बाद हो जाएगा, जिनका घर चलता है यूट्यूब के अर्निंग से ही। इसलिए कारण यूट्यूब को बैन करना बहुत ही मुश्किल होगा, यूट्यूब को बैन भी नहीं किया जा सकता है गाइस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला था। तो गाइस, आप सभी लोगों का जिनका कंफ्यूज था वो सारे दूर हो गया होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक, और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता तो गाइस आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतने, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।